आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 18 जुलाई 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वह सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। और यह जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है इसका आयोजन किया जाएगा 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण होगा जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। तो सही उत्तर इसका है 16 जुलाई 1929। अनुसंधान परिषद है वह अपना 75वां, यह अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है, इसलिए यह चर्चा में अभी है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ICAR, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 16 जुलाई का अपना स्थापना दिवस मनाता है, लेकिन इस वर्ष से इसे इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम रखा गया है फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाएगा इस वर्ष से, वर्ष 2023 से। अभी वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक हैं हिमांशु पाठक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश है वह मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो प्रशासन है जम्मू और कश्मीर का, वह अपने निर्वाध सेवाएं जैसे कि निवास, गतिशीलता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, मोबाइल दोस्त ऐप को। और मोबाइल दोस्त जो ऐप है इसका, जम्मू कश्मीर सरकार है वह आपका मोबाइल हमारा दफ्तर के दृष्टिकोण के साथ इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि कुछ केंद्रीय सेवाएं हैं इसका उपयोग कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा, मोबाइल दोस्त ऐप के द्वारा। और इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश, इसको डिजिटल रूप से सशक्त बनाना इसका मेन मोटिव है। अगला क्वेश्चन है, 4 रनवे और 1 एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे के साथ भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है वह 4 रनवे और 1 एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे के साथ यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया है, वह किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सही उत्तर है वह गणितज्ञ थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम था डॉक्टर मंगला नार्लिकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला IIT दिल्ली का परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर है आबू धाबी में, भारत के बाहर पहला IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित किया जाएगा आबू धाबी में। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह आबू धाबी की यात्रा पर है, वहां इन्होंने इस बात का MOU साइन किया गया है कि IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित किया जाएगा आबू धाबी में। अभी हाल ही में जंजीबार में IIT मद्रास का पहला परिसर स्थापित किया गया था जंजीबार में। एक MOU को साइन किया गया है आबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, इन दोनों के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आसियान की मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा है? तो सही उत्तर है सऊदी अरब जो है वह 51वां देश बन गया है आसियान की मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करने वाला, या 51वां देश बन गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 को कौन प्रदान कर रहे हैं? तो सही उत्तर है इसका द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारतीय राष्ट्रपति है वह भूमि सम्मान पुरस्कार को यह प्रदान करेंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में। यह जो भूमि सम्मान पुरस्कार है यह दिया गया है 9 राज्य सचिव और 68 जिला कलेक्टरों को इनकी डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लागू करने में 9 राज्य सचिव और 68 जिला कलेक्टरों को यह
भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, 17 जुलाई को हर साल विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो विश्व सर्प दिवस है, इसको मनाने का जो फैसला किया हुआ है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है नई दिल्ली, नई दिल्ली यानी नेशनल जियोलॉजिकल पार्क जो है नई दिल्ली, वह विश्व सर्प दिवस मनाने का फैसला किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा, 17 जुलाई को मनाया जाता है विश्व सर्प दिवस। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, 17 जुलाई को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, 17 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन पुरुष एकल फाइनल 2023 को किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। यह विंबलडन पुरुष एकल फाइनल 2023 इन्होंने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने। कल वीडियो में बताए थे आपको विंबलडन महिला एकल किसने जीता था, तो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर है, आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट। आर चिदम्बरम जो थे, यह भारत के साइंटिस्ट हैं, यह भारत के एक साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो अभ्यास है, इसका आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो सही उत्तर इसका है, भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया है नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो अभ्यास है, वह भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया है। और यह जो अभ्यास है, इसमें भारतीय सेना जो है इसमें भाग ली है, और इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा 17 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया के उलान बटोर में। इसका आयोजन किया गया है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का, और इसका जो पिछला संस्करण था वह अक्टूबर 2019 में आयोजन किया गया था बकलोह में। अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों ने सुरक्षा बॉन्ड जो अभ्यास है उसको आयोजित किया है? तो सही उत्तर है, चीन और रूस जो है वह इस अभ्यास को आयोजित किया है, सुरक्षा बॉन्ड अभ्यास 2023 का। और यह जो अभ्यास है, सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक अभ्यास, इसमें चीन, रूस और ईरान के जो नौसैनिक प्रमुख है, यानी कि जो नौसेना है, वह इन तीन देशों का इसमें भाग लिया है। और यह जो अभ्यास है सुरक्षा बॉन्ड 2023, इसका आयोजन किया गया है ओमान की खाड़ी में, और यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण है जो कि इस वर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स का 18 जुलाई 2023 का। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।